दोस्तों आप लोगों ने जो थंबनेल पर देखा है वो बिल्कुल एकदम 100% राइट है। अब आपको किसी भी तरह की आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे कि अपना आय जाति निवास या फिर केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र आदि ऐसे बहुत सारे काम अपने मोबाइल से घर बैठे खुद ही कर सकते हैं, और जो भी पेमेंट कटेगा वो आप खुद से ही पे करेंगे। एक्स्ट्रा पेमेंट आपको कहीं पर भी देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई भी इंतजार करने की जरूरत है। स्क्रीन पर जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है इसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। वैसे भी मैं आपको इस वेबसाइट का नाम बता देता हूं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ई साथी नाम की ये वेबसाइट है। पहले नंबर पर जो भी वेबसाइट मिले उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर सबसे पहले आपको यहां पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, यहां पर एक आपको लॉग इन आई डी का ऑप्शन दिख जाएगा, बगल में एक खाली बॉक्स भी दिख जाएगा, लेकिन जो आपको लॉग इन आई डी बनानी होगी वो 1 से 8 कैरेक्टर तक ही हो, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। लॉग इन आईडी आपकी कैरेक्टर भी हो सकते हैं और डिजिट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर ही आप लॉगिन आईडी बनाइए। यहाँ पर चलिए मैं एक लॉगिन आईडी बनाकर डालता हूँ और यहाँ उपलब्धता की जांच करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिख गया, इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले ही मौजूद है, कृपया नई आईडी के लिए प्रयास करें। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ पर अब कुछ अंक चेंज करके देखता हूँ वापस से। मैं यहाँ उपलब्धता की जांच करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, यानी कि इस आईडी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, नीचे जन्म तिथि, इसके बाद लिंक यानी कि मेल या फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है, आवासीय पता जो भी आपका पता हो डाल दीजिएगा, पिन कोड भी, पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर जिला भी सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ईमेल आईडी भी डाल दीजिए, यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा वाले बॉक्स में डाल दीजिए, इसके बाद यहाँ सुरक्षित करे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको नीचे 2 मैसेज देखने के लिए मिल जाएंगे रेड कलर से, पंजीकरण सफलता पूर्वक हो गया, ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, आपको भी 6 से 8 अंक का जो ओटीपी होगा वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए और जो भी यहाँ पर लॉगिन आईडी आप बनाए हैं वो लॉगिन आईडी डालकर और जो भी ओटीपी मिला है उसे डालकर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो सबसे पहले आपको अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आप एक न्यू पासवर्ड को जनरेट कर लीजिए, अपना पुराना पासवर्ड यानी कि जो ओटीपी मिला है वो डालकर, नीचे 2 बॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने हिसाब से एक नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, और नीचे इसके बाद आपको एक कंफर्म न्यू पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने जो भी पासवर्ड नया बनाया है वही पासवर्ड आपको कंफर्म वाले बॉक्स में भी डाल देना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों जो पासवर्ड चेंज करने का मेथड है मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया, जो वीडियो था वो मैंने स्किप कर दिया, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। आपको यहाँ पर फिर से मेन वेबसाइट पर आ जाना है, पासवर्ड को चेंज करने के बाद यहाँ लॉग इन आई डी में जो भी लॉग इन आईडी आपने क्रिएट की थी वो डाल दीजिएगा, नीचे वाले बॉक्स में आपने जो भी नया पासवर्ड जनरेट किया वो डालिए और नीचे वाले बॉक्स में बगल में लिखे हुए कैप्चे को डाल दीजिए और यहाँ ब्लू कलर की सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आप इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। आपको भी देखने के लिए इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पर आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आय जाति निवास। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको प्रूफ के तौर पर एक जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा फॉर्म भरूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। दोस्तों आय जाति निवास कैसे बनाते, किस तरह से पूरा फॉर्म भरते हैं, यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, आप उन पर क्लिक करके फॉर्म भरना सीख सकते हैं। यदि आप कहीं पर कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद यहां दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको भी एक इस तरह का एक प्रीव्यू फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपके सारे डिटेल्स जो भी आपने भरे होंगे आपको भरे मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स, नाम और उनकी स्पेलिंग वगैरह, अक्षर वगैरह आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जाएंगे, एक बार आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सही हैं या नहीं। इसके बाद यहाँ से आप इसे कट करके यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें तो इस पर आपको भी क्लिक कर देना है। यहाँ आपकी आवेदन संख्या पहले से ही पड़ी होगी, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको इस चीज का ध्यान देना कि आप पहले अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए, यदि कोई गलती है तो आप पहले ही सुधार लीजिए। फॉर्म को भरते समय आप फॉर्म को भरने के बाद आवेदन को संशोधित करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, तो ये पूरी वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट की तरह, पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ई डिस्ट्रिक्ट की तरह आपको यहाँ पर मजा नहीं आने वाला। सो आप यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से अपनी फॉर्म को फिल करें, इसके बाद ही यहाँ पर फीस की पेमेंट करें आप। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड विथ पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR, UPI, तो यहाँ पर QR के थ्रू करने वाला हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक किया, ₹15 का चार्ज यहाँ से लिया जाएगा। प्रोसीड विथ पेमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको भी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी UPI ID भी डालकर पेमेंट कर सकते हैं या फिर इस वाले QR को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर
जो पेमेंट है दोस्तों हमने यहाँ पर सक्सेसफुल कर दिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर साइड पर पेमेंट सक्सेसफुल होने का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से फिर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यदि दोस्तों आपको इस तरह की एरर देखने का मैसेज आ जाता है तो यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर से यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर क्लोज द विंडो, इस पर आपको भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के इंटरफेस के साथ आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अब एक ऑप्शन यहाँ पर बाएं साइड देखने के लिए मिल जाएगा, आवेदन की सूची, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपने जो भी आपने आवेदन किया होगा उसका जो है यहाँ पर स्टेटस आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी एप्लीकेशन है यानी जो हमारा आवेदन हो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो रिसिप्ट है वो अभी जनरेट नहीं हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या दिख जाएगी, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बाएं साइड पे एक सेवा शुल्क भुगतान नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आवेदन संख्या आपने कॉपी की है इस वाले बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो पावती पत्र है आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से आप इस रिसिप्ट को जो है प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने सिस्टम में पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो वेबसाइट है ये भी ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उन्हीं की टीम की वेबसाइट है। ये आम लोगों के लिए है, खुद का जो है काम कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में बिना किसी जनसेवा केंद्र सीएससी सेंटर जाए। देखिए यहाँ पर जैसे हमने पावती रसीद डाउनलोड कर ली तो यहाँ पर अब हमारा करंट जो स्टेटस है अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कॉर्नर सर, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है और आपके ऊपर अधिकारियों के लिए जांच के लिए चला गया है। दोस्तों आपके द्वारा आवेदन किया गया प्रमाण पत्र 6 से 7 दिनों के अंदर ही तैयार हो जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से भी आप अपने आवेदन की संख्या कॉपी करके वहां से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आप इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको इसी मेन वेबसाइट पर लॉग इन कर लेना है और यहाँ निस्तारित आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो आवेदन पत्र है उसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।